नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे मीडिया टुडे टीवी। राज्यसभा में हुए हंगामे के बाद जिन 8 सांसदों को निलंबित किया गया था, वो रात भर संसद के बाहर धरने पर बैठे रहे और सुबह तक उनका धरना जारी रहा। मंगलवार सुबह उपसभापति हरिवंश चाय लेकर सभी सांसदों से मिलने पहुंचे। हम यहाँ मोदी जी की चाय के लिए नहीं बैठे, बल्कि किसान के निवाले के लिए बैठे हैं। विवाद के बीच धरने में बैठे टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्राई ने ट्वीट कर सरकार को ललकारा। डेरेक ने लिखा कि आप मुझे सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप मुझे चुप नहीं करा सकते। देखिए ये वीडियो। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुबह उपसभापति जी हम लोगों के धरने पर चाय पिलाने के लिए आए थे और बहुत बड़ा दिल दिखाया उन्होंने। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप इतनी बड़ी लड़ाई को इतना छोटा मत बनाइए। ये चाय पीने और पिलाने की लड़ाई नहीं है, ये देश के करोड़ों किसानों के पेट और पीठ पर जो लात मारा गया है, उनका जो निवाला छीना गया है, ये उसकी लड़ाई है। ये चाय पीने की लड़ाई नहीं है, इस लड़ाई को इतना छोटा क्यों बना रहे हैं आप? देश का किसान, देश का अन्नदाता करोड़ों लोगों का पेट भरता है, आपका भी भरता है, हमारा भी भरता है, सांसदों का भी भरता है, मंत्रियों का भी भरता है। उसके इस महान योगदान के सामने ये चाय बहुत छोटी चीज है, उसकी चिंता कीजिए। आज हमारे तमाम विपक्ष के मित्रों ने सदन का बहिष्कार किया। मुद्दा साफ है, हम लोगों का सस्पेंशन भी कोई मुद्दा नहीं है। अगर आप जिंदगी भर के लिए मुझे निलंबित करना चाहते हैं, बिल्कुल निलंबित कर दीजिए, पूरी जिंदगी निलंबित रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन हमारे किसान भाइयों का जो निवाला छीना है, वो निवाला वापस कीजिए प्रधानमंत्री जी। जो इस देश के किसानों के पेट और पीठ पे छुरा मारा गया है, उसको, इस काले कानून को वापस लेकर उनको राहत पहुंचाइए प्रधानमंत्री जी। ये काला कानून बगैर वोटिंग के जबरन अलोकतांत्रिक असंवैधानिक तरीके से जो पारित किया गया है, लोकतंत्र की मर्यादा को, संसद की मर्यादा को जो शर्मिंदा किया गया है, उसको वापस कीजिए प्रधानमंत्री जी। ये लड़ाई चाय पीने और पिलाने की नहीं है, देश के करोड़ों किसानों की लड़ाई को आप एक छोटी सी चाय पिला के निपटा रहे हैं। मैं बहुत आदरपूर्वक आपकी चाय आपको वापस करता हूं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के करोड़ों किसानों का जो आपने निवाला छीना है, उसको वापस कीजिए। सस्पेंशन मुद्दा नहीं, निलंबन मुद्दा नहीं। जो कुछ उस दिन हुआ सदन के अंदर, वो पूरे देश ने देखा। भारतीय जनता पार्टी, आपकी पार्टी राज्यसभा में अल्पमत में थी, अकाली दल विरोध कर रही थी, बीजेडी विरोध कर रही थी, टीआरएस विरोध कर रही थी, एआईएडीएमके सेलेक्ट कमेटी की मांग कर रही थी, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, सारी पार्टियां विरोध में थी, आरजेडी, डीएमके, आम आदमी पार्टी। उसके बावजूद ये काला कानून पास किया गया। इसलिए इस लड़ाई को छोटा मत बनाइए, ये इस देश के करोड़ों किसानों को धोखा देने का काम आपकी सरकार ने किया है। आप कहते हैं एमएसपी देंगे प्रधानमंत्री जी, आप 2014 का अपना भाषण भूल गए? आपको याद नहीं आपने क्या कहा था चुनाव के पहले? एक साल के अंदर फसल की लागत मूल्य का 1.5 गुना दाम किसानों को दिया जाएगा, 50% मुनाफे के साथ फसल की कीमत दी जाएगी। लेकिन आपकी सरकार ने शपथ पत्र देके सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम 50% मुनाफा नहीं देंगे। कितना धोखा दोगे किसानों को, कितनी बार उनके पीठ में छुरा मारोगे प्रधानमंत्री जी? पूरे देश को आपको जवाब देना होगा। आज पूरे देश का किसान आंदोलित है, वो चाहे पंजाब का हो, हरियाणा का हो, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो। आपने एमएसपी खत्म कर दी, कानून में एक शब्द दिखाइए कहां आपने एमएसपी लिखा है। कोई व्यापारी अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य से, कोई पूंजीपति अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से कम में किसान से खरीद करेगा, तो वो किसान कहां गुहार लगाने जाएगा? कौन सा न्यायालय उसकी बात सुनेगा? अगर आपने
बिल में, कानून में लिखा ही नहीं है एमएसपी के बारे में, एक शब्द नहीं लिखा तीनों बिल में। तो इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूं और विपक्ष के मित्रों को भी कह रहा हूं, हम लोगों का निलंबन कोई मुद्दा नहीं है, ये काला कानून जो बिना वोटिंग के पास किया गया है उसको वापस लिया जाए और किसानों को राहत पहुंचाई जाए। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।